जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ है हमारी प्यारी श्यामा, बहुत प्यारी लग रही है, ये देखिए। और यहाँ हमारी प्यारी प्रियाजू, बहुत ही सुंदर, ये देखिए। तो आज हम सुना रहे हैं, कल की पहले तो मैं बात बता देती हूँ आपको। कल हम गए थे वृंदावन, जैसे कि मैंने आपको वीडियो भी डाला था कि हम जल्दी निकल गए थे, तो हम 7 बजे वृंदावन पहुँच चुके थे। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लिमिट क्रॉस, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें, मतलब हमारी ना सेवा थी 4-5 मंदिरों की, तो वो सेवा के लिए हमें वहाँ पे पोशाक जो है पहुँचानी थी, तो हमने वो सभी पोशाकें पहुँचाई। वीडियोस में ज़्यादा पोशाकों की नहीं बना रही हूँ, लेकिन हाँ, आप जो भी पोशाकों के कोई भी अगर ऑर्डर देना चाहता है तो वो ऑर्डर दे सकता है। उसके लिए मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है 7248809172। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 7248809172। ठीक है, बिहारी जी या किसी भी मंदिर की पोशाक आप बनवा सकते हैं, हम सभी मंदिरों की पोशाक जो है बना रहे हैं। तो अब हम आगे की बात करते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब भीड़ ज़्यादा होने के कारण हमने सोचा कि हम पीछे की तरफ से गए थे, ठीक है, पीछे मंदिर की तरफ से, और देखा कि भीड़ चारों तरफ लगी रखी, क्योंकि भैया सुबह सुबह पहुँच जाते हैं भक्तजन, तो और संडे वैसे था। तो हम ना पीछे की तरफ गए जहाँ राधा वल्लभ जी से पीसी घाट और इधर का जो रोड पड़ता है ना बांके बिहारी जी के लिए, पूरा भरा हुआ था। तो हमने क्या सोचा कि नहीं भाई, हम लोग अभी भीड़ में नहीं जाएंगे, और मुझे पोशाक मतलब पहुँचानी थी उस मंदिर में, राधा वल्लभ जी में। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि मैं ना दोपहर के बाद देखते हैं अब, लेकिन दोपहर के बाद क्या देखूँ कि हम लोग जब वहाँ से निकले तो पीछे की तरफ हमारी गाड़ी पार्क थी। अब गाड़ी भी वहाँ से नहीं निकल सकती थी, पैदल का ही रास्ता था, चारों तरफ से बंद कर दिया, ना रिक्शे वाले ना कोई। हम पीछे से मुड़कर अपनी गाड़ी तक पहुँचे, मैंने कहा गाड़ी यहाँ से निकालो, क्योंकि कहीं भी किसी भी मंदिर में प्रवेश करना इस समय तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम वहाँ से निकल गए। अब जाने के बाद वहाँ से जैसे ही हम निकले, तो निकलने के बाद भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम पीछे से तटिया स्थान पहुँच गए। और तटिया स्थान पहुँचने के बाद वहाँ पर अब समझ गए थे कि प्रभु जो है किसी कारण से बुलाए होंगे, क्योंकि मैंने बताया भी था वो संत सेवा के लिए, तो वहाँ के लिए मैं डेट लेकर आई। तो चलिए, वो डेट पर वहाँ पे संत सेवा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के वीडियोज़ मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बनाना अलाउड नहीं है, वहाँ पर फ़ोन ही स्विच ऑफ करवा देते हैं। खैर, तो हम लोग वहाँ पहुँचे और मेरी जो माला थी, जो हमें गुरु देते हैं, तो वो माला भी थोड़ा, मेरी धागा हल्का था तो वो टूट गई थी, तो वो माला भी मुझे गुरुदेव से ही लेनी थी, क्योंकि हम स्वयं से धारण नहीं करते हैं, जो प्रभु हमें देते हैं हम वही धारण करते हैं। और हरिदासी संप्रदाय में ऐसा कोई भी नियम होता नहीं है वैसे, पर मैं वो किसी दिन बताऊंगी आपको, अभी तो मैं जो बताना चाहती हूँ वो सुन लीजिए। अब करते करते हमें 2:30 वहीं बज गया था, ये समझ लो, भोग प्रसादी पाते पाते गुरुदेव के दर्शन करते करते वहीं पर एक भक्त भी मिल गई और हमारी सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि हमने मोहन मोहिनी जी की भी बहुत सुंदर पोशाक बनाई है और वो पोशाक भी हमें धारण करवानी थी, क्योंकि भक्त की भी एक पोशाक बननी थी। तो मैंने कहा पहले आप ही धारण कराओ, तो हम पहले वही धारण करवाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ होने के बाद वहाँ से हम निकले, 2:30 बज गए। अब हम 2:30 बजे तो पूरा, अब थोड़ा वृंदावन खाली हो चुका था, क्योंकि अब तो पट बंद हो गए थे। अब हम बताइए क्या करें, कि कल मुझे पहली बार पता चला कि सेवा करना भी इतना आसान नहीं है, कितनी मेहनत, लेकिन हाँ आनंद था, क्योंकि हम प्रभु के लिए वो कार्य करते हैं, इसलिए शक्ति भी प्रभु ही देते हैं। अब हम वहाँ से निकले, एक जगह का काम हमारा संपन्न हो गया था, तटिया स्थान की पोशाक, अब हमें दूसरे स्थान पहुँचना था। वहाँ से अब आप राधास्ने बिहारी जी या बाके बिहारी जी या राधा वल्लभ जी आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि 5:30 बजे पट खुले हैं। अब दोपहर में क्या किया जाए, तो हम लोग पीछे से पहुंचते हुए मैंने कहा कुछ फैब्रिक अगर मिलता है तो चलो ढूंढते हैं। बहुत अनंत शॉप्स हैं वहाँ पर, तो हमने कई शॉपों के कुछ कपड़े देखे, कहीं पसंद आए कहीं नहीं पसंद आए, तो जो पसंद आया वो हम लेके आए। उसके बाद हम आगे चले, लेकिन वहीं से जब हम गुजर रहे थे तो सामान लेते हुए, तो अब दोपहर में अष्ट सखी मंदिर में भी हमको पोशाक अर्पण करवानी थी,
तो वहाँ पर हम अष्ट सखी मंदिर में भी हम दोपहर में ही पहुँच गए। अब वो कहने लगे पट तो अभी खुले नहीं है। मैंने कहा कुछ भी करिए, आप बुला लीजिए, मैं भले ही दर्शन बाद में कर लूँगी, आप ये पोशाक अर्पण करवा दीजिए। तो गुरुदेव वहाँ पे भी जो महाराज थे वो भी आ गए और उन्होंने जो है पोशाक वगैरह हमने उनको अर्पण कर दी। साथ में ही अष्ट सखियों के लिए बड़ा ही सुंदर सा पर्दा बनवाया है, तो वो भी अर्पण करके हम वहाँ से निकल आए। और ये भी एक भक्त को बनवाना था तो हमने ये चीज़ की। और वहाँ से आने के बाद हम फिर अब हमें राधा रमन जू में भी पोशाक पहुँचानी थी। अब ये सब के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता और करते करते शाम हो गई, अब पट खुल गए। उसके बाद हमने सब जगह पे चारों पांचों मंदिरों में पोशाक को अर्पण कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो वहीं पर हमें एक मिले जिनसे हमने पहले कुछ सामान खरीदा था। तो जब उनसे बात हो रही थी तो हमने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी, और मैंने कहा भीड़ से हम अब क्योंकि शाम का वक्त हो गया, अब इधर बांके बिहारी मंदिर से हमारी पार्किंग तक आना मुश्किल हो गया। अब हमने क्या किया, रुख ही बदल दिया, क्योंकि जब भीड़ होती है तब हम वहाँ से नहीं निकलते, तो हम पीछे की तरफ कैसी घाट की तरफ से निकलने लगे। तो वहीं पर हमारे साथ ही उसमें एक व्यक्ति बैठे हुए थे और उन्होंने बातों ही बातों में बात की कि हमने कहा कि कहाँ जा रहे हो आप लोग, तो हमने कहा अब हम घर की तरफ निकलेंगे लेकिन यहाँ से निकलना तो बहुत कठिन है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा अरे बेटा ये भीड़ तो पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गई और आज जो है बहुत बड़ा दृश्य था। मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने हमको बताया कि एक 1.5 साल का बच्चा लाइन लगी हुई थी और पूरी भीड़ की वजह से दम घुट गया उसका और वो इस दुनिया में नहीं रहा। और जब वो माँ चिल्लाई होगी या बच्चे को जब इस तरह की परेशानी हुई तो थोड़ी सी भगदड़ भी मची। भगदड़ मचने के कारण 1-2 लोग तो पांव के नीचे भी आ गए जिनको वहीं के निवासियों ने बचाया। तो मैंने कहा कि बाबा एक बात बताइए, ये चीज़ किसने की और कौन कर रहा है, अब इसमें दोष किसको दिया जाएगा, रिपोर्ट किसके नाम दर्ज कराई जाएगी, आप सोचिए। तो बाबा बोले कि ये कुछ नहीं है, बस लोगों को समझ नहीं आ रहा। और ये सुनते हुए मेरी आत्मा बहुत दुखी हो गई क्योंकि सुबह से हम बहुत खुश थे और शाम को जब ये बात हमने सुनी तो मैं दुखी हो गई और मैंने फिर इंस्टा पे आके रास्ते में ही एक वीडियो पोस्ट कर दिया। अब उसमें भी बहुत ज्ञानी लोग पैदा हो जाते हैं जिनका कहना होता है दिव्या जी आप तो रोज़ जाते हो। अरे भैया मैं जो जाती हूँ मेरे सिर्फ दो ही उद्देश्य हैं, दो ही उद्देश्य से मैं वृंदावन या किसी भी स्थान पर जाती हूँ, मैं प्रभु सेवा के लिए निकलती हूँ और यही सोच के जाती हूँ कि प्रभु अगर मैं आज जा रही हूँ तो सिर्फ सेवा के लिए जाऊँ या दर्शनों के लिए, तो मैं किसी भी मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेती हूँ, मैं रज में भी दर्शन कर लेती हूँ, मैं यमुना किनारे दर्शन कर लेती हूँ। अरे भैया जहाँ से प्रभु का द्वार शुरू है मेरो वृंदावन लिखा है, मेरे लिए तो मेरा कन्हैया वहाँ भी है। और बड़ी बात कहूँ उससे भी तो मुझे तो मेरे घर में ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, मेरी क्या बात करोगे। तो फिर वो रात को मैंने वीडियो भी डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे को समझ आ गया कि कुछ लोगों को समझाना भी मूर्खता है क्योंकि उन्हें तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि उनके स्वयं के साथ कुछ ऐसी घटनाएं ना घट जाएं, इसलिए मैंने वहाँ से वीडियो डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हुई इसका दोष किसी और को नहीं, हमारे ऊपर ही है। क्या हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि गर्मी का समय है हम छोटे छोटे बच्चों को इतनी भीड़ में लेकर जा रहे हैं? बच्चों को दर्शनों की क्या ज़रूरत है, वो तो स्वयं ही कृष्ण हैं। आप बताओ, आप सोच रहे हो हम घर में जा रहे हैं किसके पास छोड़ के जाओ। अरे भैया जब भगवान ने तुम्हें खुद ही कृष्ण की सेवा दे रखी तो अपने बच्चों की ही सेवा कर लो, जब वो बड़े हो जाए तब जाओ। तुम्हें लग रहा है और जाना भी है तो तुम इतनी गर्मी में जा रहे हो, वो भी संडे के दिन, जबकि मैं 1000 बार वीडियो बना चुकी हूँ संडे और सैटरडे को छोड़ दिया करो। और तीसरी चीज़, आज वहाँ पर इतनी भीड़, अचानक से इतने भक्त पैदा हो गए, इससे पहले सब भक्त कहाँ थे? चलो ठीक है मैं मानती हूँ सारे भक्त हैं, मैंने तो अपने ही वीडियोस में प्रभु ने सिर्फ एक वीडियो में कमेंट के जरिए ही ये बता दिया कि 5 लाख में से सिर्फ 50 ही भक्त हैं, उनमें से भी अगर छटनी की जाए उनमें भी से भी परीक्षा ली जाए तो 25 ही भक्त निकलेंगे। तो अंदाज़ा लगाओ ये जो लाखों में जो इतनी भीड़ लगा के प्रभु के दर्शनों के लिए जा रहे हो ये सब भक्त हैं? ये दूसरों को कष्ट देकर कौन सी भक्ति करना चाहते हो, सोचो। अरे भाई प्रभु कण कण में है, घट घट में है, ये समझ लो। हाँ मैं मानती हूँ आपके अंदर ये भावना उठती है कि हमें प्रभु के दर्शन करने हैं, हम वृंदावन नहीं गए हैं। अगर वृंदावन में आप गए हो, आपको पता चल गया है कि इस रास्ते पर इतनी भीड़ है, इतना क्राउड हो रहा है, ठीक है प्रभु आपने मुझे रज में मैंने कदम रखे, अरे उस रज में कदम रखने से ही आपके पाप नष्ट हो गए।
अब आप पता नहीं कौन सी छवि, हर मंदिर में एक ही छवि है, बस आपको समझ नहीं आ रहा है। आप उन स्वरूप के ऊपर आप ये चीज भूल रहे हो, प्रभु ही कण कण में वास करते हैं। चलो मैं छोड़ो, ब्रह्मांड की बात छोड़ो, तुम भाई तुम ब्रज की ही बात करो, तो 84 कोस का महत्व मैं बता चुकी हूँ, कृपया ऐसा मत करो, आप ही को कष्ट होने वाला है और इसका दोष आप पर जाता है। अब इसका दोष प्रभु पर मत रोप देना, ठीक है, कि प्रभु आपके द्वार पर ऐसा हुआ। प्रभु के द्वार पर नहीं, कुछ आपकी भी कमी है, जिसकी लिखी जैसी है वो तो होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपकी भी तो बुद्धिमत्ता है। अब मान लीजिए प्रभु ने पहले ही खड्डा दिखा रखा है और तुम जानबूझ खड्डे में गिर जाओ, तो शरीर को कष्ट किसके पहुँचेगा, तुम्हारे ना। सभी जीवों को प्रभु ने इस बुद्धि का नहीं दिया, आपका कल्याण करने के लिए प्रभु ने आपको मानव शरीर दिया है। इस मानव शरीर में सबसे बड़ी जो चीज़ है वही है बुद्धि, है ना, इसका इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ दो ही उद्देश्य से वृंदावन में कदम रखने हैं, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने हैं, पहला उद्देश्य। अब दर्शन किस रूप में होंगे ये प्रभु पे छोड़ दो, हैं, जाओ रज को छू लिया वो प्रभु ही है, संत को ही मिल गए आपने उनके रज को भी छू लिया ये भी प्रभु ही है, आपने एक छोटे से मंदिर में प्रवेश कर लिया यही मेरे प्रभु का आज का दर्शन था। अब बताओ, ना आपको कष्ट हुआ ना किसी और को कष्ट हुआ, है ना। लेकिन नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, हमको तो स्पेशल वहीं पहुंचना है, तो जाओ पहुंचो, खुद को भी कष्ट दो, दूसरों को मार रहे हो, चूटी काट रहे हो, हैं, सांस घुट रही है, बुजुर्ग लोग हैं, क्या करोगे, समझो। मैं एक दो बार नहीं, मैं कई बार भीड़ में फंस गई हूँ, मैं जाना नहीं चाहती, फंस गई मैं, बाप रे बाप। मैंने कान्हा जी को एक ही चीज़ बोला, प्रभु मुझे निकालो, आप भले ही ये कह देना कि मेरे दर्शन के लिए, मैं आऊँगी प्रभु, आप ही तो हर जगह हो, ये सत्य है, प्रभु हर जगह हैं, समझ जाइए अभी भी। प्रभु इससे आगे और क्या क्या करना चाहते हो समझ जाओ, अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्रभु आपके घरों में बैठे हुए हैं, है ना, आप भले श्री विग्रह सेवा मत करिए, आपके मन में भी प्रभु हैं, आपका भाव सेवाओं के लिए उजागर होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। अगर आप अब आता है सेकेंड उद्देश्य, पहला दर्शन, दूसरा सेवा। अब सेवा किस रूप में करने जा रहे हो, सिर्फ वीडियो बनाने जा रहे हो तो मत जाओ, जाओ बैठो घर में बैठाओ, खूब साड़ियाँ बदल बदल के बना लो, है ना। मैंने भी बहुत बार ऐसे वीडियोस बनाई थी जब मैं भक्ति में या प्रभु की सेवा में नहीं थी, तो बना सकते हो बना लो, लेकिन खाली वीडियो के चक्कर में वृंदावन या किसी भी धार्मिक स्थान को खराब नहीं करना है, ठीक है। आपका मकसद क्या होना चाहिए वीडियोज़ बनाने का, आप अगर आप खुद भी सेवा नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप दूसरों की वीडियोस को दिखा रहे हो या उन सभी को मोटिवेट कर रहे हो, चलो ठीक है, वो भी आप अलग में या शांति वाले एरिया में कर रहे हो, चलो उसमें भी कोई दोष नहीं है, लेकिन भीड़ भाड़ में पहले ही भीड़ लगी है, 10 लोग वहाँ खड़े एक फ़ोटो लेने, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ, मैंने देखा है, कल इतनी कठिनाई हमको हुई, यकीन करिए मुझे सेवा करने में परेशानी हो गई, सेवा प्रभु तक पहुंचाने में इतनी कष्टता हो, मतलब इतना कष्ट हो रहा था, मैं कह रही थी प्रभु अगर ऐसा ही रहा तो भविष्य में कैसे अब तक आप तक सेवाएं पहुंचेंगी प्रभु, सोचो। यकीन मानना, जब बहुत अति हो जाती है ना तो फिर सिर्फ और सिर्फ बुरा ही होता है, ठीक है। और कभी कभी याद रखिएगा, बुरों के साथ अच्छे भी फंस जाते हैं, है ना, यही तो ये जीवन का तरीका है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, भीड़ में सैटरडे संडे तो बिल्कुल मत जाइए, ये मतलब ये मेरी प्रार्थना समझ लीजिए या प्रभु की आज्ञा समझ लीजिए। जाना है, मौसम का ध्यान रखिए, भीड़ अगर लग रही है तो स्वयं रुक जाइए, उन कदमों को रोक दीजिए, कोई बात नहीं। आपने दर्शन नहीं किए तो ये मत सोचो कि आप अभागे हो, आप ये कहो कि आपने किसी और को दर्शन होने दिए, या आपके मन में ये भावना आ गई चलो आज मैंने नहीं किया, जिनके भी हो रहे हैं भगवान उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, ये होती है भक्ति। भक्ति का मतलब समझिए, दूसरों का कल्याण, है ना, दूसरे को धक्का मार के, चीर के, मार के, पीट के, कष्ट दे के, स्वयं दर्शन करके कुछ ना मिल रहा तुमको, प्रभु को दिख रहे तुम्हारे कर्म, तुमने तुम्हारे मन में का चल रहा है,
ठीक है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे देह में क्या चल रहा है और तुम्हारे विचार क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये भक्ति का मतलब समझ जाइए। तो ये थोड़ा दुख का था, तो मुझे बनाना था ये। मैं इससे पहला भी केस आप सबके सामने मैया का बता चुकी हूँ, आप सबको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझना है, प्रभु हर जगह है। आप सबके लिए रोज़ ये वीडियोस में, ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये क्या है, क्या ये प्रभु नहीं है, आपको दर्शन नहीं मिल रहे हैं? कैसे चमत्कार चाहते हैं, क्या आप वैसा चमत्कार जो चाह रखते हैं उसके लिए क्या हम ऐसे भक्त हैं? बस ये समझने की ज़रूरत है ना। तो प्रभु के हर प्राणी को सुख देने की सोचनी है, किसी को कष्ट नहीं, है ना। और जिस दिन हम दूसरों के सुख का सोचेंगे हमें कष्ट नहीं होगा। यकीन मानो, इस बार मैं लेट गई वृंदावन सिर्फ इसी कारण से। अब मैंने कहा, हे प्रभु, अब मुझे फिर संत सेवा के लिए जाना है, हे भगवान, अब की बार फिर कहीं संडे या सैटरडे ना पड़ जाए, मुझे ये डर लगने लगा। मैंने कहा, अगर प्रभु ऐसा हुआ भी तो आप कैसे भी करके प्रभु, हम तो इसलिए मैं लाला को भी लेके नहीं जाती, कन्हैया को भी ले जाना मैंने बंद किया है। आप समझिए, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। उद्देश्य सिर्फ दो होने चाहिए, रज में मैंने कदम रखा यानी मेरे प्रभु से भेंट हो गई, ठीक है। दूसरा, वहाँ पर आपने रुका, अगर आपको लगता है खाली है, खूब दर्शन करने जाओ। अगर भीड़ है, ना खुद को कष्ट दो ना किसी और को, ठीक है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं ये कटु शब्द नहीं बोलना चाहती, लेकिन क्या करूँ, ये प्रभु प्रेरणा से ही मैं बोल पा रही हूँ। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरदास।